गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ सेट थ्योरी। सो इन दिस लेक्चर वी कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हम डिस्कस कर लेते हैं ऑन द कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। सो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इफ़ द टू सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। अगर दो सेट आपके डिसजॉइंट नहीं है, यानी उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन है, उनका इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है, तो उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन ऑफ टू सेट्स इज डिफाइंड एज एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सेम एज इफ द टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर ए और बी दो डिसजॉइंट सेट हैं, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द थ्री सेट्स, यूनियन ऑफ थ्री सेट्स ए बी एंड सी, अगर हमारे पास तीन सेट हैं ए बी और सी, उनके यूनियन में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं, देन इट इज़ इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बट नॉट इन बी, ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में तो आ रहे हैं लेकिन सेट बी में नहीं है, देन इट कैन बी रिटन एज एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, दैट इज द एलिमेंट नॉट इन ए बट इन बी, ऐसे एलिमेंट जो ए में तो नहीं है लेकिन बी में है, इट कैन बी रिटन एज एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो सेट थ्योरी में वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में हमको दी जाती है। ठीक है, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज इन ए ग्रुप ऑफ 800 पीपल्स, तो टोटल 800 पीपल के ग्रुप में 550 कैन स्पीक हिंदी, 550 पर्संस ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, 450 कैन स्पीक इंग्लिश, 440 ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, सो वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ऐसे कितने पर्सन्स होंगे जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी प्रॉब्लम में कितने टाइप के सेट हैं, यानी कितने सेट्स बन सकते हैं। तो दे आर टू लैंग्वेजेस एंड द पर्सन्स आर डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज दे कैन स्पीक। तो यहाँ पर हम जो पर्सन्स हैं उनको डिवाइड कर रहे हैं दो ग्रुप में। ठीक है, किसके बेसिस पे? उन लैंग्वेज के बेसिस पे जो वो बोल सकते हैं। तो यानी हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के ग्रुप बनेंगे, एक हिंदी के पर्सन्स का, एक इंग्लिश के पर्सन्स का। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेट्स, वन फॉर हिंदी एंड अदर फॉर इंग्लिश। तो हम लिख लेते हैं, लेट एच डिनोट्स द सेट ऑफ हिंदी, ऐसे पर्सन जो हिंदी बोल सकते हैं उसके सेट को हम एच से डिनोट कर रहे हैं, एंड ई डिनोट द सेट ऑफ इंग्लिश, और ई से हम डिनोट कर रहे हैं उन पर्सन्स के सेट को या ग्रुप को जो इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे पर्सन कितने हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, वह है 550, दैट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एच, जो हिंदी बोल सकते हैं उस ग्रुप में कितने पर्सन्स आएंगे, 550 पर्सन्स। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एच, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इज इक्वल टू 550। नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई, जो इंग्लिश बोल सकते हैं उस सेट में, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो होंगे उतने पर्सन जो इंग्लिश बोल सकते हैं, दैट इज एन ई इज इक्वल टू 450। एंड आउट ऑफ 800 में से हर एक पर्सन कोई ना कोई लैंग्वेज बोल सकता है, तो यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स, इन दोनों सेट को मिला के जो सेट बनेगा वो कितने पर्सन का होना चाहिए, 800 पर्सन का। सो द नंबर ऑफ पर्सन्स इन हिंदी यूनियन इंग्लिश मस्ट बी इज इक्वल टू 800। अब हमने फाइंड क्या करना है, पहले वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नाउ हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो इन 800 पर्सन में से ऐसे कितने पर्सन हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं, यानी इस ग्रुप में भी आ रहे हैं, और इंग्लिश भी बोल सकते हैं, यानी इस सेट में भी आ रहे हैं, यानी दोनों में कॉमन है। और कॉमन एलिमेंट हम अगर फाइंड करते हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन स्पीक
both Hindi and English is an H intersection E. तो हमने क्या फाइंड करना है, H intersection E फाइंड करना है. तो अभी हमने पीछे का आइडेंटिटी पढ़ी थी, नंबर ऑफ पर्संस इन हिंदी यूनियन इंग्लिश, दो सेट के यूनियन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, देन इट इज़ इक्वल टू एन एच प्लस एन ई, फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस सेकेंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस द कॉमन एलिमेंट इन बोथ द सेट्स. ठीक है, तो हमको ये फाइंड करना है. ये वैल्यूज हमें दी हैं, दिस इज 800, वैल्यू पुट कर दो. एन एच इज इक्वल टू 550 प्लस 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई. ये वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो इसको इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, प्लस पॉजिटिव माइनस है यहाँ, तो इक्वल के अपोजिट साइड ले जाने पे पॉजिटिव हो जाएगी. एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 500 प्लस 550 प्लस 450 इज इक्वल टू 1000 माइनस 800, इक्वल के इस साइड लाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होते हैं ऑपरेटर्स के, ऑपरेंड्स के, अगर हम उसको क्या करते हैं इक्वल के इधर उधर शिफ्ट करते हैं, सो इट बिकम्स 200. सो द पर्संस आउट ऑफ 800 हु कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी आर 200. सो 200 पर्संस कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिटी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नाउ डिस्कस सम अनदर प्रॉब्लम. दीज प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है. ठीक है, तो देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ ए स्किन डिसऑर्डर. 200 इंडिविजुअल्स या 200 पर्संस ऐसे हैं जिन्हें स्किन डिसऑर्डर, इन्हें स्किन की प्रॉब्लम है. 120 हैज़ बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, जिनमें से 120 को हमने केमिकल C1 से एक्सपोज किया. 50 टू केमिकल C2 और 50% ऐसे हैं जिनको केमिकल C2 से एक्सपोज किया. एंड 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2. और 30% ऐसे हैं जिनको केमिकल C1 यानी C1 केमिकल और C2 केमिकल दोनों जिन पे अप्लाई किया, दोनों जिन पे यूज़ किया उस डिसऑर्डर को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड. तो अब हमने फाइंड करना है केमिकल C1 और C2, ऐसे इंडिविजुअल कितने हैं जिनमें या तो केमिकल C1 यूज़ हुआ है या केमिकल C2, यानी दोनों में से कोई भी एक केमिकल यूज़ हुआ है. केमिकल C1 बट नॉट C2, केमिकल C1 तो यूज़ हुआ है लेकिन C2 यूज़ नहीं हुआ. केमिकल C2 बट नॉट C1, केमिकल C2 यूज़ हुआ है लेकिन C1 यूज़ नहीं हुआ. तो 200 इंडिविजुअल जो हमारे हैं वो यूनिवर्सल सेट है. अब इस यूनिवर्सल में ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सब पे हमने कोई ना कोई दवाई यूज़ की है. ठीक है, तो जहाँ पर यहाँ पर यूनियन अलग है और यूनिवर्सल सेट अलग है. सो द यूनिवर्सल सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 200. टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो कितने हैं, 200. तो यूनिवर्सल सेट है, इसमें से जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें हम एक्सपोज कर रहे हैं. तो C1 केमिकल एक्सपोज किया 120 पे, तो नंबर ऑफ पर्संस एक्सपोज्ड विथ C1 इज इक्वल टू 120. नंबर ऑफ पर्संस एक्सपोज्ड विथ केमिकल C2 इज इक्वल टू 50 एंड 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2. बोथ का मतलब कॉमन, ऐसे पर्सन जिस पे C1 भी यूज़ हुआ है, C2 यानी जो इस ग्रुप में भी आएंगे, इस सेट में भी आएंगे, वो कितने हैं, 30 पर्संस हैं. तो नंबर ऑफ पर्संस C1 इंटरसेक्शन C2 में जो आएंगे वो कितने होंगे, 30 पर्संस. ठीक है, अब पहला हमने फाइंड करना है केमिकल C1 और केमिकल C2 जिसमें या तो C1 यूज़ हुआ है या C2 यूज़ हुआ है. तो जहाँ पर भी और आता है, और का मतलब होता है यूनियन, तो यानी हमने फाइंड करना है एन C1 यूनियन C2. और एन C1 यूनियन C2 को अगर उस आइडेंटिटी जो हमने पीछे पढ़ी थी उसके बेसिस पर रिप्रेजेंट करें तो इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2. सो इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इज 120 प्लस C2 इज 50 माइनस इंटरसेक्शन इज 30.
So it is equal to 170 minus 30 is equal to 140 individuals in which the chemical C1 और C2 applied, यानी जिसमें दोनों में से कोई ना कोई दवाई अप्लाई हमने की हुई है, ठीक है। Now second one is chemical C1 but not C2. जिसमें हमने C1 तो अप्लाई किया है लेकिन C2 अप्लाई नहीं किया है, तो C1 अप्लाई किया है तो C1 वाले एलिमेंट तो आएंगे, बट नॉट C2, लेकिन C2 अप्लाई नहीं है, तो नॉट C2 का मतलब जहाँ पर भी नॉट आता है, नॉट C2 मीन्स C2 का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को हम नॉट पढ़ते हैं, तो दैट इज़ C1 इंटरसेक्शन C2 कॉम्प्लीमेंट। तो हमने फाइंड करने हैं द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द सेट C1 इंटरसेक्शन C2 कॉम्प्लीमेंट अप्लाई विथ C1 बट नॉट C2, ठीक है। देन इट कैन बी रिटन एज NC1 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। तो मैंने एक आइडेंटिटी पीछे लिखी है जहाँ पर हमने डिस्कस किया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A बट नॉट इन सेट B, दैट इज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। So it can be written as NC1. NC1 is equal to 120 minus intersection is 30. So it becomes 90. So 90 individuals in which the chemical C1 is applied but not C2 is applied. Now the third one is chemical C2 but not C1, तो जस्ट इसका अपोजिट है केमिकल C2 बट नॉट इंटरसेक्शन C1 कॉम्प्लीमेंट। तो यह आइडेंटिटी हमारी C2 इंटरसेक्शन C1 कॉम्प्लीमेंट के लिए हो जाएगी इज इक्वल टू NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2 या C2 इंटरसेक्शन C1 बिकॉज इंटरसेक्शन इज कॉम्यूटेटिव। तो NC2 इज इक्वल टू 50 माइनस इंटरसेक्शन इज 30, सो इट बिकम्स 20%। तो 20% ऐसे होंगे जिसमें हमने केमिकल C2 तो अप्लाई किया लेकिन C1 अप्लाई नहीं किया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है उसको सेट नोटेशन में रिप्रेजेंट करके इन आइडेंटिटीज से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन ए सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज। एक कॉलेज में हमने 700 स्टूडेंट पे सर्वे किया, 180 वी आर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिम्का, जिसमें से हमें ये पता चला कि 700 में से 180% ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं जो लिम्का पीते हैं या लिम्का पसंद करते हैं, 275 एज ड्रिंकिंग मेरिंडा, 275 ऐसे हैं जो मेरिंडा पसंद करते हैं, एंड 90 लिस्टेड एज बोथ ड्रिंकिंग लिम्का एज वेल एज मेरिंडा, और 95 ऐसे हैं जो लिम्का और मेरिंडा दोनों पसंद करते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वी आर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉर मेरिंडा। अब ऐसे पर्सन कितने होंगे, ऐसे स्टूडेंट कितने होंगे जो ना तो लिम्का पीते हैं ना ही मेरिंडा पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम में दो सेट हमारे बन रहे हैं, यानी स्टूडेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक लिम्का की और एक मेरिंडा की, तो देयर आर टू सेट्स, तो दो सेट होंगे। 700 आर द यूनिवर्सल स्टूडेंट, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मेरिंडा और लिम्का दोनों ग्रुप में नहीं आ रहे हैं, यानी उनसे हमने राय पूछी तो ना तो उनको लिम्का पसंद ना ही मेरिंडा पसंद है, ठीक है। तो ये यूनियन नहीं है दोनों सेट का, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है ऑल ओवर द स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 700। नाउ लेट ए इज फॉर लिम्का एंड सेट बी इज मेरिंडा, सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए, ऐसे स्टूडेंट जिनको लिम्का पसंद है वो कितने हैं आपके, 180, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको मेरिंडा पसंद है वो स्टूडेंट कितने हैं, 275। नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग और लिस्टेड एज बोथ ड्रिंकिंग लिम्का एंड मेरिंडा इज 95। तो बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, जो दोनों सेट में आ रहे हैं वो हैं आपके 95, ठीक है।
तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको या तो लिमका पसंद है या मिरिंडा, क्योंकि हमको नाइदर अगर निकालना है, नाइदर और नॉर, जो ना तो लिमका पसंद है ना मिरिंडा, यानी जो दोनों में से किसी भी सेट में नहीं आ रहे हैं, तो हम पहले निकाल लेते हैं एटलीस्ट वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको एटलीस्ट कम से कम एक ड्रिंक पसंद है। तो सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक, जिसको कम से कम एक पसंद है यानी कम से कम एक सेट में आ रहा है, दैट इज़ हमने निकालना है एन ए यूनियन बी। तो एन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सो एन ए इज़ इक्वल टू 180 प्लस 275 माइनस 95, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3455 माइनस 95 एंड दिस बिकम्स 455 माइनस 95 इज 360। तो 360 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको या तो लिमका पसंद है या मिरिंडा पसंद है। नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट नाइदर लिमका नॉर मिरिंडा, कैन बी रिटन एज नाइदर लिमका, नंबर ऑफ स्टूडेंट नाइदर लिमका दैट इज नॉट ए, नॉट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, एंड नॉट बी। ठीक है, नाइदर और नॉर जब भी आएगा तो बीच में क्या आएगा, एंड, ना तो ए में है और ना ही बी में है, तो ऐसे एलिमेंट जो ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देन इट कैन बी रिटन, हमने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ा था, एक डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, अगर हमारे पास यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट है तो वो दोनों के अलग अलग इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। देन इट कैन बी रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, हमने पढ़ा था डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन में क्या था आपका, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसी को अगर रिवर्स में लिखें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं, देन इट बिकम्स यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल में से अगर हम ए यूनियन बी के एलिमेंट को हटा दें तो उसके कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट मिल जाएंगे। यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट थे 700, ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देते हैं ए यूनियन बी, अभी निकाले हमने माइनस 360, सो इट बिकम्स इट इज़ इक्वल टू 340 स्टूडेंट्स। तो 340 स्टूडेंट्स आर इन ए ग्रुप ऑफ 700 जो ना तो लिमका पसंद करते हैं और ना ही मिरिंडा पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जो सेट थ्योरी की इन आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं, विच आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट विच इज़ कॉल्ड कार्डिनल नंबर। ठीक है, अगले लेक्चर्स में कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे विच कैन बी सॉल्व्ड बाय वेन डायग्राम। तो ये प्रॉब्लम आपकी पेपर के पर्पस से तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो सेट थ्योरी की हेल्प से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं।